गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर एच ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 दैट आई हैव गिवन यू इन द होमवर्क. द रेस्ट वर्क आई थिंक यू ऑल हैव डन इट, बट आई वॉन्ट टू जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दिस क्वेश्चन. सी द नंबर इज 4761 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. सो एज द सम इज divisible by 3 means 4 plus 7 is 11, 11 plus 6 is 17, 17 plus 1 18. The sum is divisible by 3, so the number is also divisible by 3, so you divide by 3 and number comes 1587. Again this number is divisible by 3, so you divide by 3. Then comes the number 529. Now you may face the problem ki by which number this number will be divided, because when you look for the 3, this number will not be divisible by 3 because the here sum is 7 plus 9 is 16, 16 is not divisible by 3. So 529 will not be divisible by 3. Next number from which you will see, not from 4, by 5. Now as the last number is 5, it means this number is not divisible by 5. Then you look for the 7. Uska 6 nahi dekhna hai, jo number aapka 2 और 3 से नहीं हो चुका, आप पहले कर चुके हो, तो वो 6 से नहीं, आप 7 से देखेंगे. तो 7 से वन जब आप चेक करेंगे तो 7 सेवन 49, 3 इज लेफ्ट 39, इट मीन्स ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा. आफ्टर 7 यू विल चेक बाई 11, 7 के बाद डायरेक्ट आप 11 से चेक करेंगे. तो 11 से व्हेन यू विल सी फ्रॉम 11, 11 इन 4 जा इज 44, सो 6 प्लस 2 8, 89, 89 8 जा तो 1 इज अगेन लेफ्ट, तो 11 से भी नहीं होगा. सेम वे यू विल चेक फॉर 13, 13 से भी आपका ये नंबर डिवाइड नहीं होगा. देन यू विल लुक फॉर द नंबर 17, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा. देन इट विल डिवाइडेड बाय 23 क्लास. सो आइदर यू फॉलो दिस मेथड, यू विल फर्स्ट आफ्टर 3 यू विल चेक बाय 5, देन 7, then 11, then 13, 17, 19, then 23, the prime series, as I told you earlier. Else what you can do, see this number is greater than 400 means 20 के square से ज़्यादा का number है ये आपका, and 25 का जो square है class 625 वो हमें याद ही रहता है, और उससे छोटा number है और last में 9 है, तो it means इसका जो square root होगा वो last की ones की digit क्या होनी चाहिए, 3. तो आप रैंडमली इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से 23 से करके देख सकते हैं डायरेक्ट भी, जब ये थोड़े नंबर से नहीं हो रहा था, तो उससे आपको ये जो है डायरेक्ट आपको नंबर 23 मिल जाएगा और ये आपका सब इजीली हो जाएगा. और सबसे इजी मेथड है कि अगर आपको ये 23 का स्क्वायर लर्न हो तो आप डायरेक्ट ही इसको लिख सकते थे. तो इस तरीके से आपका ये नंबर जो है आपका डिविजिबल आ जाएगा और ये आपका जो है आंसर इस तरीके से आ जाएगा. तो इस चीज़ का क्लास आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं आपको प्राइम नंबर सीरीज को फॉलो करते हुए नंबर्स से चेक करना है वन बाई वन कि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर में क्लास क्या रहता है आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. रेशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब आप रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो न्यूमरेटर का आप सेपरेटली निकालेंगे स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर का आप जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेटली निकालेंगे और उसको हम जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में फिर लास्ट में लिख देंगे. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस इज 2 होल 81 बाय 324. सो फर्स्ट वी विल राइट इन द इम्प्रॉपर फॉर्म. सो यू विल मल्टीप्लाई 324 बाय 2 and then you add 81, so 648 plus 81 comes, then you get the number 729 by 324. So what we will do, we will find out the square root separately. So we will find out the prime factors. We are here using the prime factor method. When you write the prime factors, you can see some factors are common in the numerator and denominator. Class, it is very simple if you cancel it here. So when you you can see these 4 threes are be cancelled by the these 4 threes. Now the remaining threes are 3 into 3 in the numerator and 2 into 2 in the denominator. And when you find the square root of numerator and denominator separately, it comes to be 3 by 2, 1 whole 1 by 2. So class, see, this is one method.
One more method what you can do, if you are able to recognize in the question that 81 and 324 can be divided, means this is 81 fours are. So your question it becomes very simple if you reduce it in the starting. When you reduce it, you get 1 by 4 here. So this will be 2 whole, 1 by 4. When you multiply, you get 9 by 4. This is 3 into 3 and the denominator is 2 by 2. Just the oral question. And you can directly write 3 by 2, 1 whole, 1 by 2 class. So if class, if you are able to recognize in the starting ki the rational number can be reduced, reduce it in the starting, your question becomes very easy. But all the questions will not be reducible. Some questions are given in the lowest form and sometimes some questions are given not given in the lowest form. So if you reduce in the starting, it will be very easy. And if you do not recognize and if you forget to reduce in the starting, no problem, no worries, you can do it here also. So it will be very simple for you. Let's have one more example. Let us see one more example. This is 11 whole, 148 by 196. The same method we have applied here, multiplied, and then the 148 is added, we get this number. Now we have to find out the square root of this number. We will find out the separate squares. Prime factors are these, and these are very simple prime factors, you all can do it. So here also you can see these can be divided. So it comes to be 24 by 7. When you write it into mixed form, this will become 3 whole 3 by 7. In this question also class, as the numbers are coming common here, it means it can be reduced earlier also. So if you will see class, when you reduce it, both the numbers can be divided by 4 here. When you divide it by 4, you get 11 whole 37 by 49. And when you multiply, you get 526 by 49. And as if you know that 526 is the square of 24, you can write it directly. And 7, you everyone knows. So directly you can able to write the answer 24 by 7. So it will be very easy.